हेलो एवरीवन, एज यू कैन लुक एट इट, घर हो रहा है मूव। पैकिंग शैकिंग पूरी रेडी हो रही है। यू कैन लुक एट इट, बैग बस्ते ये हमने सामान के गत्थे बना लिए हैं एंड सब कुछ रेडी, ऑलमोस्ट ऑल डन, पैक्ड सारा स्टफ एंड बस पैकिंग अभी एक दिन और पड़ी है तो बस डन कर देंगे एंड मूव करेंगे। क्यों क्यों पैंदी है फिर तक चैंपियन? आलू वाले परांठे ऑन द रोल। यू कैन लुक एट इट, लास्ट पराठा रह गया है, ये हमने ऑलमोस्ट कुक कर लिया है एंड लुक एट दीज पराठास, लथपथ लथपथ हैं पूरे आलू से, काफ़ी डिलीशियस एंड मज़ा आ गया है। ओनली बाय योर शेफ सागर। Many hours later. तो गाइज, वंस द पैकिंग इज डन, अब हमारी किचन में कुछ ज़्यादा सामान बचा नहीं है, इसलिए अब हम गुजारे पे आ गए हैं। तो अभी हम पास्ता खाएंगे। बहन जी हमारी बना रही हैं व्हाइट सॉस पास्ता, एज यू कैन No, लुक एट I'll इट, make pink. जो भी मिक्स सॉस बन रहा है। पिंक सॉस के लिए टमाटर प्याज भी कट हुआ है एंड ये वाइट सॉस बन रही है। ये हमारा पास्ता उबल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो बस देखते हैं क्या बनता है, फाइनल प्रोडक्ट आपको दिखाते हैं। 15 minutes later. गाइस, हमारा डिलीशियस डिलीशियस पास्ता इज काइंड ऑफ रेडी एंड यू कैन लुक एट इट, इट लुक्स यम यम। Later that night. रात के बज रहे हैं 11:30 एंड मैं जॉब से लौट रहा हूँ एंड आज सुबह पता नहीं था कि स्नो पड़ने वाली है एंड आई वाज इन माय नॉर्मल शूज़ एंड काफ़ी 0.5 की स्पीड से अब मुझे घर जाना पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी टाइम, ये देख रहे हो आप जहाँ पे स्टेप्स ऑलरेडी हैं, यहाँ पे स्नो पिघल के फिर जम चुकी है, यानी कि स्नो आइस बन चुकी है। गिरने का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है इस ब्लैक आइस पे, इसलिए बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। एंड एंड अगर आपके पास स्नो शूज़ नहीं है तो आफत और ज़्यादा ही आन पड़ती है। एंड जहाँ आप देखते हो ना कि बिल्कुल बर्फ़ नहीं है, लग रहा होगा कि ये बल्कि सेफ़ जगह है, बल्कि यही सबसे ख़तरनाक जगह है जहाँ पे स्नो नहीं है, क्योंकि वो पिघल चुकी है एंड वो दोबारा आइस बन चुकी है एंड पक्का गिराएगी वो। सो बड़े ही पेशेंस के साथ, पेशेंस का टेस्ट लेते हुए मैं जा रहा हूँ नॉर्मल जूतों के साथ। ए फ्यू मिनट्स लेटर। राइट नाउ जॉब से आए थे एंड कुछ सब्जी वगैरह थी नहीं, तो आई एम जस्ट कुकिंग रैंडम टमाटर प्याज शिमला मिर्च का मसाला विद शाही पनीर जैसी ग्रेवी। सो लेट्स सी क्या बनता है, बट चखने में तो काफ़ी स्वाद था, सो मज़ा आने वाला है। रोटियां अपनी बन गई हुई हैं, ये पड़ी अपनी रोटियां एंड बस सब्जी बनने वाली है, तो डिनर करते हैं फटाफट। एज यू कैन लुक एट इट, रेडी है अपना कढ़ाई पनीर जस्ट विदाउट पनीर। सो ये है अपने राजमा, जिसमें राजमा नहीं दिख रहे, एंड ये है अपना अचार। सो ये रही रोटी, लेट्स ईट इट। The next day. So it is finally shifting wala day. Shifting wala day has arrived and we are finally going to the new house to collect keys. क्योंकि सुबह सुबह collect कर लेंगे keys and शाम तक फिर हम move वगैरह करेंगे, but फिलहाल अभी हम घर की हालत and चाबियाँ कल इकट्ठी करने जा रहे हैं, तो let's see. अभी बस उठी हैं and जा रहे हैं, तीन जाने एक चाबी लेने जा रहे हैं, काफ़ी भारी है चाबी, तो बस उसको लेने जा रहे हैं अभी चाबी को एंड देखेंगे घर की हालत ठीक ठाक है, अगर सफाई वगैरह की ज़रूरत है तो वो भी देख लेंगे, बट अभी जाने का मोटिव तो कुछ नहीं है, बस घर पे दिखाना भी है। सो फाइनली द बस हैज अराइव्ड, आ गए हैं घर के बाहर एंड लेट्स सी क्या माहौल बनता है, कैसा है घर अभी, तो मुआयना करने जा रहे हैं घर का, लेट्स गो। फाइनली घर में एंटर कर चुके हैं हम लोग। सो सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको दीदी एंड जीजू का रूम एंड ये है अभी हमारी वॉशर एंड ड्रायर एंड ये है इनका रूम, काफ़ी स्पेशियस एंड वॉक इन क्लॉजेट भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, साफ़ सफाई हो चुकी है घर की, अभी मेरी बात हुई थी लैंडलॉर्ड से एंड काफ़ी स्पेशियस इनका क्लॉजेट एंड ये बड़ी बड़ी खिड़की है एंड चलते हैं हम सामने वाले रूम में। तो सबसे पहले ये तो वॉशरूम है एंड ये देखिए ये किचन एरिया, ये हमारा काउच है एंड रग, यहाँ पे हम अपना टीवी वगैरह सेटअप कर लेंगे एंड ये है अनदर एक वॉक इन क्लॉजेट एंड यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है, दिस इज़ आर किचन मेनली, काफ़ी स्पेशियस एंड सामने यहाँ भी खिड़कियाँ हैं, अच्छा व्यू है एंड आज तो अच्छी खासी धूप भी निकली हुई है एंड अब हम चलते हैं हमारे रूम में, मेरे और साहिल के रूम में। तो ये रहा हमारा रूम
एंड ये रहा हमारा क्लॉजेट जिसमें काफ़ी स्पेस है, ऑल्दो हमारे पास एक अलग से क्लॉजेट है अभी, बट काफ़ी स्पेस है। यहाँ पे लगेगा हमारा बेड एंड दिस इज़ अ लिटिल एम्प्टी स्पेस। यहाँ पे हम अपना एक और काउच ला रहे हैं तो होपफुली वहाँ पे वो काउच आ जाएगा, वो हमारा वाईफाई एंड ऑल, काफ़ी सॉकेट्स वगैरह की जगह है तो वी आर हैप्पी विद इट। एंड सुबह सुबह यहाँ पे धूप आया करेगी जैसे कि आपको अभी दिख रही है, काफ़ी स्पेशियस विंडोज तो अच्छा व्यू है। सो दैट्स प्रीटी मच इट एंड एक बार मूव इन जब हम करेंगे उसके बाद भी आपको फाइनल व्यू देंगे घर का। हे एवरीवन, लास्ट कुछ दिनों से मुझे यूट्यूब पे काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेरीज, काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग दी अकोमोडेशन। तो अभी नया बैच आया है तो काफ़ी लोगों को दिक्कत वगैरह, परेशानी वगैरह आ रही है कि अकोमोडेशन फाइंड करना वैसे भी इतना ईजी नहीं होता, वी ऑल नो दैट। सो इसी के रिगार्डिंग आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू अ न्यू प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एम्बर। एम्बर इज वन ऑफ द ग्रेट प्लेटफॉर्म स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड देयर अकोमोडेशन। एम्बर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टूडेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडर नॉट जस्ट इन कैनेडा बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओवर 100 प्लस सिटीज हैं इनके प्लेटफॉर्म पे विच मेक्स इट अ सीमलेस एक्सपीरियंस। बहुत ही ईजी है इनकी साइट, 3 ईजी स्टेप्स में आपको अकोमोडेशन मिल जाएगी अपनी। सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालो, वहाँ पे सर्च करो अपनी यूनिवर्सिटी एंड उसके बाद फाइनलाइज योर प्रेफरेंसेस, हाई बजट, लो बजट, जैसा भी आपको रूम चाहिए जस्ट फाइनलाइज ऑन दैट। एंड थर्ड स्टेप इज जस्ट बुक विद देम। दे इवन हेल्प द स्टूडेंट्स विद लीज एग्रीमेंट एंड ऑल दी अदर पेपर वर्क। तो ज़रूर चेकआउट करना है इनकी वेबसाइट को एंड इसका लिंक मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, सो डू चेक इट आउट। एज अ सरप्राइज दिस इज आवर बैकयार्ड व्हिच इज फेयर बिट चौड़ा, तो देख सकते हैं आप बैकयार्ड भी है, यहाँ पे थोड़ा गारबेज वगैरह का स्टोरेज भी है। सो ऑल एंड ऑल सुबह के 11 बज चुके हैं, धूप भी आज अच्छी खासी है, ठंड नहीं है इतनी। सो अभी हमारा प्लान है कि शिफ्टिंग को थोड़ा सा पहले, 4 बजे की शिफ्टिंग का प्लान था, थोड़ा सा पहले मूव इन करें ताकि शाम को हमारे पास सेटिंग वगैरह का टाइम हो एंड आज की आज ही सारी शिफ्टिंग एंड अनपैकिंग भी हो जाए। 1 hour later तो आ गए हैं जी घर वापस एंड हमारी पैकिंग एंड मूविंग थोड़ी रिस्केड्यूल कर ली हमने 4 बजे के बजाय, अब हमने 2 बजे कर लिया एंड ब्रेड पिज़्ज़े हमारे बन चुके हैं, चाय हम एक ही कप रह गया हमारे पास, बाकी सब पैक कर दिया हमने, हम गरीब हो चुके हैं अभी हम, एंड अभी हम जाके दोबारा अमीर होंगे। एंड सो दिस इज़ आर ब्रेकफास्ट एंड शाम का हम देखेंगे फिर बाहर से कुछ खा के आएंगे क्योंकि घर सेटअप वगैरह करेंगे, इतनी हिम्मत होगी नहीं। सो दैट्स प्रीटी मच इट द न्यूज़ फ्रॉम द मॉर्निंग गाइस। बेड हमारे सारे डिसेंबल हो गए हैं, ये देखिए अपना बेड पूरा कर दिया है हमने बिल्कुल एंड बाकी सारा सामान पैक हो चुका है। टॉकिंग अबाउट दिस रूम, इस रूम में भी हमने गद्दे सारे दीवार के साथ लगा दिए हैं। A few minutes later, right now आ गया हमारा ट्रक एंड यू कैन लुक एट इट, यहाँ से सब कुछ लोड हो रहा है एंड यहाँ पे सब कुछ लग रहा है, गद्दे गुद्दे आ गए हैं हमारे, शीशा भी वहाँ पे चढ़ा दिया हमने, बाकी अभी है स्पेस तो देखते हैं। काफ़ी सामान लग चुका है एंड काफ़ी अभी पेंडिंग है, यहाँ पे आएगा अभी सोफ़ा तो वो भी लगा लेंगे, बाकी ज़्यादा सामान रह नहीं गया, यहाँ पे सोफ़ा एंड यहाँ पे क्लॉजेट आनी पेंडिंग है, अदर देन दैट वहाँ पे कुछ सामान चढ़ाना है एंड वी विल बी डन दैट। डन डना डन डन, ऑलमोस्ट सब कुछ डन है, बस एक आध सामान रह गया। फाइनली द हैंड ओवर ऑफ हाउस इज डन, एवरीथिंग इज डन, सब कुछ उठ गया है एंड अब बस फाइनल क्लीनिंग वगैरह हो रही है सो दैट वी कैन हैंड ओवर इट टू द लैंडलॉर्ड। बाकी सब हमने साफ कर दिया है जस्ट लाइक अच्छे टेनेंट्स एंड वी आर डन बिडिंग अ फाइनल फेयरवेल टू द हाउस एंड देयर वी गो लीविंग आवर हाउस। काफ़ी दुख बट काफ़ी खुश भी, सम क्या कहते हो, चेंजेस इनेविटेबल, सम चेंजेस आर इनएविटेबल एंड ऑन टू द न्यू बिगिनिंग्स। तेरे नाल जिन्ना समा बीतया बहुत हसीन बीतया करा, चलो हूँ आप चलिए, गुड बाय। फाइनली मैं और हिमानी जी भी पहुँच गए हैं एंड वो रहा साहिल, हम भी फाइनली पहुँच गए हैं एंड वो रहे हमारे शाहजी, तो बस हम पहुँच गए हैं, अब फाइनली अनलोड करने का टाइम आ चुका है तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Many hours later. So, शाम के बज गए हैं 5:40 एंड वी आर ऑलमोस्ट थ्रू इट, सारा घर सेट कर लिया है बट खाना बनाने की अब हिम्मत नहीं है तो अब हम जा रहे हैं महल रेस्टोरेंट, पास में ही है, 9 मिनट का डिस्टेंस है जस्ट, तो अभी हम बस खाना खाने जा रहे हैं तो अब घर पेट मेहनत तो कर ली, भर पेट अब खाना भी खा लें अब तो बस वहीं जा रहे हैं। कैसी हैं बहन जी? हंग्री, कैनेडा में हंग्री हैं ये देखिए तो बस अब हम खाना खाने जा रहे हैं, भूखी बहुत लग रही है, चलते हैं फिर। गाइस फाइनली छोले भटूरे, यू कैन लुक एट इट, क्या स्वाद लग रहे हैं, क्या स्वाद लग रहे हैं,
खाते खाते याद आया कि व्लॉग भी करना है। A few minutes later, guys, next up in our menu is veggie pakoda. बहुत सेक्सी लग रहे हैं एंड भूख भी बहुत लग रही है, सो ज़्यादा व्लॉग नहीं करेंगे। गाइस खीर आई है, ऑन द हाउस खीर आई है अंकल की तरफ से, व्हाट अ नाइस जेस्चर। गाड़ी गाड़ी खीर है, देख सकते हैं। One hour later. Finally, दिन क्या खात्मा करते करते हम पहुँचे हैं डॉलरामा में, बिकॉज घर में कुछ नई चीज़ें लगानी हैं, सो केम टू डॉलरामा फॉर दैट, लाइक मैट वगैरह या फिर और भी एक दो चुटकू पुटकू चीज़ें लेनी हैं, तो वो लेने आए हैं हम जरा बहन जी के साथ। बस उनको देख रहे हैं एंड ये करके बेड वगैरह को हम जोड़ेंगे अपना एंड दिन ख़त्म करेंगे। सो डन विद द शॉपिंग, खरीद लिया जो चाहिए था सामान एंड जस्ट अब हम जा रहे हैं घर पे। एंड घर पे शाहजी एंड साहिल ज़रा बेड सेट कर रहे हैं, मतलब बेड वगैरह उन्होंने असेंबल कर लिया होगा होपफुली अभी तक। एंड हम अब बस जा रहे हैं घर की ओर एंड बस का देखते हैं कितना टाइमिंग है, उस अकॉर्डिंग फिर घुसते हैं। मॉल था ये अपेरेंटली, जो कि बिल्कुल भी मॉल जैसा लग नहीं रहा था, बट सब कुछ था हालांकि, बट फील नहीं थी मॉल वाली, बट अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, वो है हमारा सब। चलिए चलते हैं फिर। पहुंच गए हैं जी हम घर, लेट्स गो। ठंडी काफ़ी थी बट लेट्स गो।